मौजूदा समय में अंतरिक्ष में भारत दुनिया का सातवां सबसे सशक्त देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती प्रतिस्पर्धा और खतरे को वजह बताते हुए अमेरिकी सेना में स्पेस फोर्स की तैनाती की घोषणा की है। अब इस तैयारी में एक कदम और आगे जाते हुए उन्होंने रक्षा विभाग द्वारा अंतरिक्ष में सैन्य उपस्थिति के लिए कानूनी मसौदा तैयार करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिक्ष में अगले विश्व युद्ध होने की आशंका के मद्देनजर अमेरिका की तैयारियां जोरों पर हैं। इस खबर ने एक बार फिर अंतरिक्ष में विभिन्न देशों की सैन्य शक्ति को चर्चा में ला दिया है। भारत भी अंतरिक्ष में तेजी से बढ़त बना रहा है और मौजूदा समय में अंतरिक्ष में सबसे अधिक सैटेलाइट भेजने वाले देशों में भारत सातवें स्थान पर है। अब भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन के सपने पर काम कर रहा है और 2021 तक इसे साकार कर सकता है। उपग्रह का इस्तेमाल विभिन्न देशों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उपग्रह आम लोगों और सैन्य बलों के लिए होता है। इसके अलावा व्यावसायिक और प्रशासनिक जरूरतों के लिए भी उपग्रह भेजे जाते हैं। वैज्ञानिकों की चिंता। अमेरिका का गैर लाभकारी संगठन यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट अंतरिक्ष में अमेरिका के बढ़ते दखल से चिंतित है। उसके मुताबिक अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियां बहुत कम हैं और एकजुटता से काम होता है। ये कदम अंतरिक्ष में शांति को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिकी सेना की 5 शाखाएं हैं: वायुसेना, थल सेना, कोस्ट गार्ड, मरीन कॉर्प्स और नौसेना। स्पेस फोर्स अमेरिकी सेना की 6 शाखा होगी, जो कानूनी अनुमतियों के बाद स्वतंत्र विभाग के तौर पर सेना में शामिल होगी। यह 2020 तक औपचारिक रूप से सेना का अंग बन सकती है। चीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स फ्रांस, फ्रेंच ज्वाइंट स्पेस कमांड रूस, रूसी एरोस्पेस फोर्सेज, रूसी स्पेस फोर्सेज इंग्लैंड, रॉयल एयरफोर्स एयर कमांड अमेरिका, एयरफोर्स अमेरिकी एयरफोर्स स्पेस कमांड। यह सैन्य विभाग की ऐसी शाखा होती है जो अंतरिक्ष में युद्ध करने में सक्षम होती है। फिलहाल अमेरिका में अंतरिक्ष के सभी मामले वायुसेना के अंतर्गत आते हैं। ट्रंप काफी समय से ऐसी सेना तैयार करने के विचार में थे जिसका कद बिल्कुल वायु या थल सेना जितना हो। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन स्वदेशी मिशन के तहत अंतरिक्ष में अपने नागरिक भेज चुके हैं। अब भारत भी अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा। 9,023 करोड़ रुपए से बनाए गए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र से 3 वैज्ञानिकों की टीम को धरती से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन्हें पहले प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद उनकी एडवांस ट्रेनिंग उन देशों में होगी जो पहले अंतरिक्ष में इंसान भेज चुके हैं।